सपा जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी द्वारा रविवार को शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान सपा जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर 7 दिसंबर से किसान आंदोलन के समर्थन में पूरे जनपद में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार किसान यात्राएं निकाली जा रही। उन्होंने बताया कि किसान हित में प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सोमवार को नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में हम सभी समाजवादी नेता COVID-19 की जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान अमरेंद्र निषाद, अखिलेश यादव, रजनीश यादव, जितेंद्र सिंह, जयप्रकाश यादव, कीर्ति निधि पांडे, राघवेंद्र तिवारी, राजू, ओम यादव, सत्येंद्र गुप्ता, गवीश दुबे, शिव शंकर सहित अन्य पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जो देश के किसान कृषि बिल के विरोध में धरनारत हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ही समर्थन में हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर गोरखपुर जनपद में भी जनपद में विधानसभा वाइज हम लोग भी किसान यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। किसान हित में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके क्रम में प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग कल 10:30 बजे से नगर निगम पार्क में हम पूरे जनपद के समाजवादी लोग हजारों की संख्या में वहां शांतिमय तरीके से और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठ करके धरना प्रदर्शन करेंगे।